लाखों रुपए की ठगी करने वाले चार सातीर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी गुजरात और गिरिडीह की साइबर पुलिस की टीम ने मिलकर की है। सोमवार को अपराधियों को गुजरात पुलिस ने मुफस्सिल थाने से रिमांड पर लिया। जानकारी के मुताबिक यहां के सातीर अपराधियों ने गुजरात के जिला जज के बेटे और कमिश्नर के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए थे। इस मामले में गांडे के रकसकुटो निवासी मंटू मंडल, मरगोडी निवासी कुलदीप मंडल, ताराटांड निवासी पप्पू मंडल और जामताड़ा निवासी अजय मंडल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधियों में एक के पास करोड़ों की संपत्ति है। इस बाबत जानकारी देते हुए साइबर सेल के डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने बताया कि आरोपियों ने गुजरात के जिला जज के बेटे के खाते से 11 लाख रुपए और कमिश्नर के खाते से 8 लाख रुपए फ्रॉड कर उड़ा लिए थे। इसी मामले को लेकर गुजरात पुलिस टीम यहां पहुंची है। बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई है। गुजरात में एक फ्रॉड का केस हुआ है जिसमें 11 लाख का फ्रॉड हुआ है उनका, तो उस केस के सिलसिले में उनका कनेक्शन जामताड़ा और गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्रों में रहा है। तो इस सिलसिले में 4 लोगों को अब तक अरेस्ट करके हम लोगों ने उन्हें दिया है और जो भी वो लोग सहयोग हमसे चाह रहे थे उन्होंने प्रदान किया है, जिसमें एक जामताड़ा का है और बाकी 3 गिरिडीह के साइबर क्रिमिनल्स थे जिन्हें अरेस्ट करके गुजरात पुलिस को सौंपा गया है, जिन्हें वो लोग पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। गिरिडीह के किस किस इलाके से गिरफ्तारी हुई है सर? ये तीनों जो है चिकसोरिया गांडे के और एक जो अजय मंडल जामताड़ा दुधानी का रहने वाला है उसे भेजा गया है।